नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। ओह यार यार ये कितनी औसम है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका दिल से। तो दोस्तों ये ब्लॉग एकदम खास एकदम मस्त है। मैं एकदम अच्छी जगह गया था, तो काफ़ी दिन से मैं शूट किया था ये ब्लॉग, उस दिन का है जिस दिन मैं फ्लिपर मोहित भाई से मिलने गया था, तो उस दिन से मैं शूट करके रखा था। तो आज फाइनली मैंने एडिट भी कर दिया है, अब बस ये क्लिप डालनी है, बस ये रह गया। तो आप ब्लॉग पूरा देखें, ब्लॉग पूरा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे का ब्लॉग दिखाता आपको आगे। तो दोस्तों ये स्वागत करते हुए अपना भाई है, रॉक गार्डन का मेन एंट्रेंस। ये हमारे कटप्पा, ये कटप्पा छोटा कटप्पा, छोटा कटप्पा। रॉक गार्डन की सबसे खूबसूरत जगह सामने भाई, मस्त जगह है। भाई सबसे खूबसूरत जगह ये रॉक गार्डन, सबसे मस्त और सबसे खूबसूरत जगह। मन तो कर रहा है यार, गर्मी इतनी है कि मन कर रहा नहा लूं जाके, नहा ले नहा ले। गजब बेइज्जती है। तो गाइस ये है रॉक गार्डन, अगर आप सुखना लेक आओ तो रॉक गार्डन जरूर आओ। टिकट का नहीं पता क्योंकि टिकट फैमिली ने लिया, मुझे नहीं पता कितने की टिकट, मैं पूछ के आपको बता रहा हूँ। और ये रॉक गार्डन की सबसे खूबसूरत जगह है झरना, इससे भी बड़ा झरना भी आने वाला है। पहले मैं नहा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सस्ता और अच्छा स्विमिंग पूल बना लिया भाई ने, अब इसमें कूद जा, अब यहाँ कूद जा भाई। अरे नहीं चल चले यार, मम्मी बुला रही है। ज्यादा मोटे लोगों की एंट्री नहीं है यहाँ, तो सोच समझ के आना गाइस, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि गलियाँ देख लो आप, कहीं पता लग रहा है तारक मेहता की तरह डॉक्टर, और तारक मेहता की तरह डॉक्टर हाथी। मस्त दो मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। यार ये कितनी औसम है भाई, पैसे हो पैसे भाई, चुंबक उंबक लाओ। तो भाई जिस जिन्होंने नोटे डाले उनकी भी साथ पूरी हो गई हो। नहीं सिक्के वाले तो कंजूस थे, सिक्के वाले क्या करूं, नहीं होता क्या हुई है क्या चीज, जब भरा रहता तो हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने कुएं में पैसे नहीं डाले, और हम इतने कंजूस हैं कि हम 10 की नोट तो डालेंगे ही नहीं। क्या पेड़ है यार, ट्री देखो यार कितना खतरनाक है, आर्टिफिशियल लग रहा है पर नेचुरल है, सब नेचर का खेल है। तो गाइस ये अपना झरना खतरनाक वाला, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। घूम घूम के थक गया, अब हैवी डाइट ले रहे हैं, केला हैवी डाइट है ये।
बर्गर नूडल चाउमीन इन सबसे तो सही है यार, फास्ट फूड से सही है फ्रूट्स। जितना देखे घूमे सभी ये रॉक गार्डन था, ढंग से मैं वीडियो बना नहीं पाया, धूप इतनी ज़्यादा है। ये लास्ट है जो खुला था एरिया, इसके बाद ख़त्म है। आ चुके हैं हम एक्वेरियम में, दिखाता हूँ मैं अलग अलग वैरायटी की कैट कैट मछलियाँ मिली। आ चुके हैं पक्खे के नीचे मछलियाँ, सामने पक्खा चल रहा है, क्या राहत मिल रही है, अब अच्छा लग रहा है। तो ऑस्कर ऑस्कर पे से ये इसे ऑस्कर अवार्ड, शायद ऑस्कर अवार्ड मिला होगा, इतनी अच्छी लग रही है यार। ये पानी में नहीं है, हवा में उड़ती है। गाइस ये मल्टी कलर की मछलियां हैं, कितनी अच्छी है, इसे देखो इसे देखो। ये मल्टी कलर है और ये वाली शायद इस भाई को पहचानती है, तो भाई से मिलना चाहती है। ये शौकीन है, तो यहाँ फास्ट फूड वाला भी है कॉर्नर, तो जो चाहे ले सकते हो आप। तो अब हम चलते हैं ढोंगी बाबा के पास, कई तरह के अलग अलग ढोंगी बाबाओं से, तो यहाँ अलग अलग तरह के अलग अलग ढोंगी बाबा देखने को मिलते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ढोल म्यूजियम, जहाँ अलग अलग तरह के हमें बाबा पुराने जमाने के लोग मिलेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं ढोल म्यूजियम, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। हाँ, माई नेम इज़ मुकेश, आप कैसे? तो ये हमारे गुप्ता जी। तो अभी गुस्से में नहीं है, तो चलते हैं अंदर हम। तो ये है डॉल म्यूजियम। ये डॉल म्यूजियम, करण अर्जुन मूवी देखी आपने? यही थे वो अंकल जो जो करण और अर्जुन को ऊंट पे बिठा के वो लेके गए थे, वो यही अंकल थे। दिखाओ भाई, अंकल जी यही अंकल थे वो। हमारे आंटी फोटो खिंचवा सकते हैं आप उनके साथ, प्रणाम करो। तो गाइस अगर आप आए ना तो आंटी प्रणाम गाइस। ये पंचायत हो रही है, क्या हुआ है? तो रुक जाओ गाइस, मैं पूछता हूँ। सरपंच जी है, सरपंच जी। ये जो है हमारे भैया, ये गांव की लड़की लेके भाग गए। सरपंच जी समझा रहे गाइस। ये वही हमारे रावण जी हैं जो ढोंगी बाबा बन के सीता जी को बाहर बुलाया था। इन्हें क्यों यहाँ लाया गया भाई? आप अंदर ही रहो। ये शहनाई बजी जा रही, बारात जा रही शायद। तो ये अपना दूल्हा भाई घोड़ी चढ़ रखा है। कैसे है वीरे, दुल्हन का है तेरी? तो ये अपना ब्रदर, ओ ये सॉरी ये रही दुल्हन। तो आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये रही अपनी दुल्हन जी। तो ये पीछे पूरी, ये पूरी बारात है, सारी बारात जा रही सारी। ये अपने तपस्या करते हुए ढोंगी बाबा जो आने वाली जो जनरेशन को बिगाड़ रही हो, यही बाबा है जिनके लिए हम आए थे, यही है वो, ये उनके चेले। कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है हमारे गांव के किसान, कितने मतलब अच्छी कारीगरी है। ये सारे वेस्ट मटेरियल से बना है, सारे पुराने कपड़ों से बने हैं, तो काफ़ी अच्छी कारीगरी है। ऊपर देखो अभी अच्छा बनाया गया है। तो बस गाइस समाप्त, फाइनली वो था अपना डॉल म्यूजियम। तो आ चुके हैं हम बाहर, अब हम झूले पे चलते हैं। तो यहाँ खतरनाक खतरनाक जितनी स्पीड में आप पहुँचा सकते हो उतने झूले लगे हैं। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। सो गाइस फाइनली हम झूले के पास पहुँच चुके हैं। Thank you.
अपने रील शूट हो रहा है, फुल डांस चल रहा है पीछे आप देख सकते हो। तो अपनी तो शकल ही नहीं यार रील्स वाली भाई, इसकी तो है तो ये तो भाव मारता है अपना। तो भाई ब्लॉग हम ब्लॉग बनाएंगे बस, तो हम ब्लॉग वाले हैं तो हम रील्स शूट कर नहीं सकते। अब झूले की तलाश में देखते हैं झूला कहाँ है। झूला मिलेगा मिलेगा कहीं ना कहीं। पीछे देख रहे हो सारा ये जितना दिख रहा है ना, सारा ये झूले लगे, सारे जितने दिख रहे हैं सारा झूले हैं, पर सारे मतलब बुक हो रखे हैं पहले से ही सारे, ये सारे झूले हैं। चल चले तो हम भी इसी तलाश में कि कहीं खाली मिल जाए, पर खाली दिख नहीं रहा हमें कहीं झूला, खाली दिखा, देखते हैं हम वहाँ पहुँच पाते कि नहीं। सामने देखो वो सामने वो दिख रहा है, तो हमने अपने बंदा भेज दिया पहले ही कि जा भाई बुक करके आ जल्दी से। तो गाइस फाइनली, अबे रुक गया बैठने दे। तो भाई झूला मिल चुका है, रुक अबे थोड़ा उधर हो भाई हो। उसकी सांसें भूल गई, चक्कर आ रहे चक्कर। गाइस ये देखो क्या कारीगरी है, ये डस्टबिन बनाया गया है, कारीगरी देखो यार यहाँ जो मतलब जो कुछ बनाना जो भी आर्ट हुआ है यहाँ सब वेस्ट मटेरियल पे हुआ, मतलब टूटी फूटी जो टाइलें होती हैं वो सब मतलब सब उन सब का यूज़ किया। अभी मैं डॉल म्यूजियम में भी जो ले गया था वो भी ऐसा ही था। मैं भाई से टिकट पूछ रहा हूँ, भाई गद्दारी कर रहा है, गद्दारी कर दे। तो भाई गद्दारी कर रहा है हमसे भाई, इसे मैंने क्या खिलाया था तुझे, मैंने 200 रुपये खिलाए थे भाई, पर ये भाई गद्दारी कर रहा है। जगह देखो यार कितनी कैंट है। गाइस अब निकलते घर की ओर यार, गर्मियों में मत आओ यार कहीं भी। ये जो हम अभी आए थे ना ये अपना था रॉक गार्डन, एक मिनट यार निकल जाएगी यार भाई आज निकल जाएगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो तो मस्त लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करना ना भूले तो ऐसे ही, और शेयर भी कर देना यार, भाई को भी फेमस करो यार, सौरभ जोशी भाई भाई अपना है। तो आई होप वीडियो आपको एकदम मस्त लगेगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको देखनी पसंद हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले।